नमस्कार साथियों आप देख सकते हैं कि बोर्ड की लापरवाही सबसे बड़ी लापरवाही साथियों जिस बोर्ड पर हमें बहुत विश्वास था कि पहली बार किसी बोर्ड ने रीट के एग्जाम करवा रहा है सभी सवाल अच्छे होंगे तो आज आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर ने सबसे बड़ा सवाल किसे बनाया है क्या बोर्ड को इतना तक पता नहीं कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे क्या इस तरीके से कब तक चलता रहेगा ये छलावा विद्यार्थियों के साथ ये तो मैं कहता हूँ कि बोर्ड के द्वारा विद्यार्थियों के साथ किया जाने वाला ये खिलवाड़ है ठीक है तो देखिए राज दैनिक भास्कर ने कौन कौन से सवालों को हाईलाइट किया है और कौन कौन से सवालों की जो है छानबीन की है जिन पर सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन लगे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी बात आपको मैं बताने वाला हूँ तो देखिए सबसे पहले बोर्ड आ, बोर्ड के किस सवाल को लेकर जो है दैनिक भास्कर ने अपनी हेडलाइन बनाई है तो आप देख सकते हैं साथियों लिखा हुआ है प्रश्नों पर सवाल किताबों में कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी हैं परीक्षा में यह ऑप्शन था ही नहीं बोर्ड ने माना दातार सिंह अब बोर्ड ने कौन से देश से माना है भाई साहब ये हमें समझ में नहीं आया है क्योंकि ऐसी कोई किताब में दातार सिंह का कोई भी ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा अब देखिए इस पर क्या आगे की प्रतिक्रिया है उसको भी मैं आपको बताता हूँ तो आप एक बार सुनिए जैसा कि आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है साथियों लिखा हुआ है जो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा सा लिखा हुआ है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित लेवल टू के हिंदी के पेपर में अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थियों ने दस से अधिक सवालों पर आपत्ति जताई है बोर्ड ने बाईस मार्च तक आपत्तियाँ मांगी थी बाईस मार्च तक आपत्तियाँ मांगी थी अब बोर्ड की एक्सपर्ट कमेटी आपत्तियाँ की जांच करेगी और आपत्तियों की ओर से उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों को देखेगी अभ्यर्थियों ने हिंदी के पेपर में मास्टर प्रश्न पत्र की संख्या बारह पैंतालीस इकहत्तर एक सौ बाईस एक सौ इकतीस एक सौ अड़तालीस सहित कई सवालों के जवाबों पर आपत्ति कराई है अब देखते हैं कि इन सवालों पर लगाई यह आपत्ति किताबों से परे दिए गए हैं उत्तर तो देख सकते हैं आप कौन कौन से सवाल हैं एक तो एक है प्रश्न संख्या बारह मास्टर पेपर का है इसमें सवाल हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग हैं सवाल में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का बहन जिला जहाँ शहरी जनसंख्या सर्वाधिक रही है ये पूछा है जबकि अंग्रेजी के अनुवाद में परसेंटेज लिखा हुआ है जो हिंदी में नहीं है प्रश्न संख्या 45 में आप देख सकते हैं इसमें पूछा है कि कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे अभ्यर्थियों ने दावा किया है कि इसका जवाब दौलत सिंह है जबकि बोर्ड ने दातार सिंह माना है दौलत सिंह ऑप्शन में है ही नहीं ठीक है प्रश्न संख्या इकहत्तर में आप देख सकते एरिया अंग्रेजी शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द पूछा है आंसर की में अंचल सही माना है जबकि हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब में क्षेत्र दिया हुआ है अगला 122 नंबर सवाल है साथियों दिया गया है कि 122 में क्या लिखा हुआ है कि इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है अभ्यर्थियों का कहना है कि इसमें डिब्बा सही है जबकि किताबों में युवा को भी स्त्रीलिंग नहीं माना है इसलिए दोनों सही हो सकते हैं प्रश्न संख्या एक सौ आप देख सकते हैं इसमें कार्ड पर लिखे शब्दों के चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य विधि किस विधि में किया जाता है ये पूछा है तो उसमें साचर विधि को सही माना है लेकिन अभ्यर्थियों का दावा है कि इसका जवाब मॉन्टे विधि होना चाहिए किताबों में यह दिया गया है प्रश्न संख्या एक है जिसमें सवाल पूछा है कि कोबोल में सी को दर्शाता है क्या दर्शाता है शब्द का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है इसका उत्तर कॉमी कॉमन ओरिएंटेड माना है जबकि इन शब्दों के बीच में बिजनेस भी लिखा है ऐसे में सी केवल कॉमन को दर्शाता है कॉमन को सही माना जाए ठीक है और भी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा हरिप्रसाद जी ने क्या बोला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इधर से पेपर सेटर्स पर सवाल भर्ती एजेंस की एजेंसियों की भी कमाई हुई है आपको पता होगा कल के पेपर में कोर्ट ने भी ऐसा बोला था देखो लिखा हुआ है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सवालों के जवाबों पर आपत्ति लगने से बोर्ड के पेपर सेटर्स की योग्यता पर सवाल खड़े होते हैं साथ ही अभ्यर्थियों पर अधिक भार पड़ता है उन्हें एक आपत्ति के लिए सौ रुपये देने होते हैं ऐसे में दस सवालों पर आपत्ति है तो उन्हें एक का अतिरिक्त भार आ जाता है अभ्यर्थियों ने हिंदी के पेपर में प्रश्न संख्या नाइन्टी वन एक सौ आठ छियासठ सत्तर साठ पर भी आपत्ति दर्ज कराई है इन सवालों के जवाब को लेकर अभ्यार्थियों ने कई तरह के दस्तावेज बोर्ड को उपलब्ध करवा दिए हैं अब देखिए हिंदी के एक्सपर्ट थे राघव प्रकाश उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ देखिए उन्होंने कहा है कि अध्यापक भर्ती हिंदी के पेपर में करीब दस सवालों के उत्तर गलत है बोर्ड ने इन सवालों के जवाब नहीं बदले तो प्रमाण के आधार पर आंसर की को सुप्रीम कोर्ट तक चुनौती दे सकते हैं सही बोला है हरिप्रसाद ने क्या बोला है कि जिन सवालों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है उनकी गहनता से जांच होगी एक्सपर्ट कमेटी अभ्यर्थियों के दावों की जांच करेगी और अगर ताबे सही मिले तो उसी आधार पर निर्णय होगा अब देखिए ये हरिप्रसाद जी ने पहले क्यों नहीं सोचा कि भैया उन एक्सपर्ट से ये कहते कि आपको एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बनाना है जिस पे विद्यार्थियों को ऑब्जेक्शन लगाना पड़े साथियों हम तो कहते हैं कि ऑब्जेक्शन की बीमारी खत्म होनी चाहिए ठीक है अगर कोई पेपर सेटर ने कोई गलत क्वेश्चन बनाया तो उसको सीधा बर्खास्त करे क्योंकि वो इतना योग्य नहीं है कि एक 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 टीचर बनाने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको सही सवाल दे सके तो वो किस बात का योग्य है तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि ऑब्जेक्शन लगवाने के बजाय हम उन पर ऑब्जेक्शन लगाएं जो पेपर सेट करते हैं ठीक है जब इस बीमारी की जो है समाप्त हो सकता है ये बीमारी तो बात यह है कि साथियों इन्होंने तो पैसे कमा लिए अब ठीक है पैसे कमा लिए सरकार को कोई एक्स्ट्रा पैसे देने नहीं पड़ेंगे जो एक्सपर्ट आएंगे वो तो इन्होंने तो आप देख लीजिए मुझे सुनने में आया लगभग पचास हज़ार आपत्तियाँ इनके पास पहुंची है तो एक आम विद्यार्थी ने लगभग पाँच सात औसत एवरेज बता रहा हूँ पाँच से सात क्वेश्चनों पर आपत्ति दर्ज कराई है आप देख सकते हैं क्वेश्चन का खर्चा आया था एक सौ और ई मित्र वाले ने अलग से चार्ज लिए होंगे वो बात अलग है तो ऐसी स्थिति में एक आम विद्यार्थी आठ 900 नौ सौ रुपये है ठीक है तो ये खर्चा आम विद्यार्थी के लिए बहुत बड़ा होता है ये रुकना चाहिए आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में अगर आपको मेरे छोटे छोटे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं जय हिंद जय भारत